हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीताफल की खीर। सीताफल को कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स एकदम फाइन चॉप किया हुआ है, चीनी आप टेस्ट के अनुसार, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल जो है वो बहुत मीठा होता है। और इसमें से मैंने ये बीज निकाल रखे हैं और ये देखिए, ये नारियल मैंने पतले पतले स्लाइस में काट के इसको हल्के से घी में मैंने इधर फ्राई किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 1 kg 1 लीटर दूध लिया है। इसको हम लोग 3/4 तक रिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग दूध में उबाल आने देते हैं अच्छी तरह, और 5 मिनट तक इसको हम लोग उबालते हैं, इससे ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए। और शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। ये देखिए, दूध बहुत रिड्यूस कर लिया है। अब हम इसमें मैंने चीनी मिला दिया था और अब मैं ये हाफ ड्राई फ्रूट डालूंगी और हाफ में डालूंगी गार्निशिंग के टाइम। और ये जो कस्टर्ड एप्पल का पल्प है, इसको हम लोग बिल्कुल जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ये जो दूध है उसके बाद हम लोग इसमें ढालेंगे। और इसमें ये थोड़ा सा कोकोनट भी ढाल देती हूँ और बाकी मैं बाद में ढालूंगी डेकोरेशन के गार्निशिंग चाहिए। चलिए अभी इसको हम लोग बिल्कुल गैस को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर में लेके आएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया है। और अब मैं इसमें ये जो सीताफल है, एप्पल कस्टर्ड एप्पल, इसको मैं ढाल और इसको ढाल के इसमें हम मिला देंगे। इसमें मैंने सारा बीज निकाल लिया था। इसको हम लोग फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा करके फिर खाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। ये फ्रिज में रखने से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ऊपर से हम लोग ये हमारा एप्पल कस्टर्ड की खीर बनके रेडी। आप लोग घर पे बनाइए, खाइए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए।